शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगता है तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही उसे ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। प्रसन्न रहो। असुर सेना भी दूर है, जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे उससे पहले यदि मैं इन बाबा की सहायता कर दूं तो माँ को दिया वचन भी पूरा कर पाऊंगा और अदिति माँ के तप की रक्षा भी कर पाऊंगा। ठहरिए बाबा। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। यदि हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो वो बारह सिंह शीघ्र ही मिल जाएगा। मैं तो सोच रहा था इसके यहां से जाते ही रेखा पार कर जाऊंगा, पर इसने तो फंसा दिया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ पर। क्यों, कोई समस्या है बाबा? नहीं नहीं, समस्या कैसी? चलो पुत्र। उत्तम राहु, उत्तम। जो कार्य वाली स्मालिक की बुद्धि नहीं कर पाई, सिंह मुखम और गदासुर का बल नहीं कर पाया, अग्नि मुखम का अग्नि तत्व तो नहीं कर पाया, तुम्हारे छल ने उस कार्य को सहज कर दिया। वो रहा बारह सिंघा, उधर भागा जा रहा है गहन वृक्षों के बीच में। तीव्र गति से उड़ो पुत्र। असुरो, यही अवसर है, जाओ अपना लक्ष्य प्राप्त करो। शीघ्र आगे बढ़ाओ। वो रहा। अरे कहां गया? उधर देखो पुत्र, वो रहा। अभी पकड़ता हूं इसे। फिर लुप्त हो गया। गति बढ़ाओ असुरों, विजय हमारी ही होगी। शीघ्र ही लौटना होगा मुझे, असुर कहीं अदिति माँ तक ना पहुंच जाए। ये मूर्ख पक्षी मेरे जाल में फंस गया। अब इसे तब तक भटकाऊंगा जब तक असुर सेनापति वज्रांग देव माता तक पहुंच नहीं जाते। वो रहा बारह सिंघा, दूर भागा जा रहा है। गति बढ़ाओ पुत्र, तीव्र और तीव्र। कुछ विचित्र लग रहा है, मुझे इतनी उत्तम दृष्टि के बाद भी बारह सिंघा दिखाई नहीं देता और इन बाबा को हर बार दिख जाता है। माँ यहाँ होती तो कोई ना कोई उपाय अवश्य सुझाती, पर जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा उसे कैसे ढूंढूं मैं? जानता है सूर्य की पूजा प्रतिदिन क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है, इनके बिना संसार का परिचालन असंभव है। हम सबके प्रत्येक कर्म का यदि कोई साक्षी है तो वो है केवल सूर्यदेव। इनकी दृष्टि से छिप पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मुझे मार्ग मिल गया मां। रुक क्यों गए पुत्र? हमें बारह सिंघा को ढूंढना है। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपकी सहायता ही कर रहा हूं। हे सूर्यदेव, मैं विंता पुत्र गरुड़ आपकी आराधना करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओ
देवाय नमः। सूर्य का आह्वान क्यों कर रहा है ये? देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। अरुण भैया, अपने छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे तुम पर गर्व है गरुड़। मां को दास्ता के श्राप से मुक्त करवाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हो तुम। तुम्हारे मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आएंगी, किंतु अंत में तुम सफल होगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है तुम पर। भैया आप मेरी प्रेरणा है। शेषनाग भैया से मैंने आपकी कथा सुनी। अर्धविकसित स्वरूप को भी आपने अपनी दुर्बलता नहीं बनने दिया, बल्कि उसे स्वीकार किया। जिस प्रकार आपने अपनी नियति को अपनी शक्ति बना दी, ये अद्भुत है भैया। सूर्य से सीधा संपर्क है इसका, कहीं ऐसा ना हो कि। हे सूर्यदेव, आपके आशीर्वाद की कामना से मैंने आपका आह्वान किया। कृपा आप बारह सिंगा को ढूंढने के लिए मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं ब्राह्मण बाबा को उनकी अरनी देकर अदिति माँ के तप स्थल की रक्षा करने के लिए वापस लौट जाऊं। तुम सद्गुणी हो गरुड़, प्रत्येक प्राणी में अच्छाई ढूंढना चाहते हो, इसीलिए दुष्ट तुम्हें छल पाते हैं। मैं समझा नहीं। जिसका तुम पीछा कर रहे थे वो बारह सिंहा वास्तविक रूप में है ही नहीं, और ना ही वो व्यक्ति ब्राह्मण है जिसे तुम अपनी पीठ पर बिठाकर यहां तक लेकर आए हो। राहु नाम का असुर है ये, मनोवांछित रूप धारण कर सकता है, स्वयं को दो भागों में बांट सकता है, एक ही समय पर दो स्थानों पर प्रकट हो सकता है। जिस ब्राह्मण और बारह सिंहा के भ्रम जाल में फंसकर तुम यहां तक चले आए हो, यह सब इसी की माया है। हां हां असुर हूं मैं, और छल विद्या है मेरी, किंतु मेरा भेद बताकर तूने बहुत बड़ा अपराध किया है सूर्य। अवसर मिला तो तुझे जीवित ही निकल जाऊंगा मैं। हाँ, मेरे सामने ब्राह्मण का रूप लेकर आया था, इसलिए तुझे मैं छोड़ रहा हूं, किंतु दंड अवश्य मिलेगा तुझे। जिस प्रकार तूने स्वयं को दो भागों में बांटकर मेरे साथ छल किया है, यदि फिर किसी के साथ ऐसा छल किया तो तू सदैव के लिए दो भागों में बट जाएगा, और फिर तेरे दोनों भाग कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। ये मेरा श्राप है।
हे सूर्यदेव, अरुण भैया, आप दोनों ने मेरी सहायता की। आपके ही कारण मैं अदिति माँ की तपोभूमि की रक्षा कर पाया और माँ को दिया वचन भी निभा पाया। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। कौन सी अदृश्य शक्ति है इस पक्षी के पास जिसके कारण हमारा प्रत्येक प्रहार विफल हो रहा है? ना ये बल से पराजित होता है और ना ही छल से। क्रोध से भी नहीं होगा सेनापति, बुद्धि का उपयोग करना होगा। यदि इसके पास अदृश्य शक्ति है तो उसकी काट के लिए हमें भी अपनी अदृश्य शक्ति का प्रयोग करना होगा। ऐसी कौन सी शक्ति है हमारे पास? मां पाताल भैरवी। स्मरण कीजिए सेनापति, घनघोर तपस्या के कारण आपको वरदान मिला था। जब भी आपको आवश्यकता होगी, देवी माँ आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगी। उत्तम सिंहिका, सही समय पर सही उपाय सुझाया है तुमने। परंतु माँ का क्रोध अत्यधिक प्रबल है। यदि हमने एक पक्षी का वध करने के लिए माँ का आह्वान किया और उन्हें उचित नहीं लगा तो? उचित अनुचित के लिए अब विलंब हो चुका है सेनापति। पहले ही हमारी माता दिति चिंतित है। यदि देव माता की तपस्या भंग करने का अपना वचन हम पूरा नहीं कर पाए तो कितनी निराश होंगी वो, कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। सही कहा तुमने, असुर है हम। उचित अनुचित वाद विवाद व्यर्थ है। हमें किसी भी प्रकार अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही हमारी रीति है और नीति। ओम पाताल भैरवे नमः। 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 जस्तं ज्योति भैरवी प्रकटि। जस्तं ज्योति भैरवी प्रकटि। अस्तं ज्योति भैरवी प्रकटि। स्वीकार करें माता। बिना विधि विधान के अचानक मेरा आह्वान क्यों किया है तूने? शीघ्र कारण बता, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार हो जा। आप हम असुरों की इष्ट देवी है माता, और आपने जो वरदान मुझे दिया था, आप उस वरदान से बंदी भी है। वो सब स्मरण है मुझे। बता क्या चाहिए तुझे? ये पक्षी मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है माता, मेरे नेत्रों में कांटा बनकर चुभ रहा है। और तू चाहता है कि मां इस दुष्ट पक्षी का सामना करे? पक्षी ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी वो पक्षी अकेले
ना होकर भी परोपकार कर रहा है, और तुम असुर देवताओं से स्वर्ग छीनने के बाद भी अधर्म कर रहे हो। यदि हमने देव माता का तप भंग नहीं किया तो वो अपने पुत्रों के लिए अनेकों शक्तियां प्राप्त कर लेगी। प्रश्न यहाँ धर्म या अधर्म का नहीं, प्रश्न है आपके वचन का, आपके दिए वरदान का। मेरे वरदान का अनुचित लाभ उठा रहा है तू। पहले भी अनेक बार मेरे वचन की शक्ति से मुझे विवश कर चुका है। तुम असुर भक्ति का मार्ग केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए चुनते हो, किंतु शक्ति का प्रयोग परोपकार करने के लिए कभी नहीं करते। धैर्य और दया से दूर केवल स्वार्थ का पथ चुनते हो, इसलिए वरदान पाने के बाद भी विनाश ही होता है। मैंने अपना मनोरथ आपके सामने प्रकट कर दिया है माता, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। जैसे एक बार मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं जाता, उसी प्रकार दिया हुआ वचन तो पूर्ण करना ही होता है। यही विधि का विधान है। मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूंगी वज्रांग, सामना करूंगी उस पक्षी का मैं। तुम्हारा सुझाया उपाय अवश्य कार्य करेगा सैनिका, जब स्वयं पाताल भैरवी उसका सामना करेगी। अब उस दुष्ट की मृत्यु निश्चित है। देवी माँ का रूप इतना रौद्र क्यों है? क्या वो बहुत क्रोध वाली है? देवी माँ की अनेक महाविद्याओं में से कुछ जैसे छिन्नमस्ता, काली और पाताल भैरवी का रूप अत्यंत भयंकर है। उनका क्रोध प्रचंड है, फिर भी वो बिल्कुल इस नारियल की तरह है, बाहर से कठोर पर भीतर से कोमल। स्वभाव से मृदु और ममता में अनंत। माँ के इस रूप से पापियों के हृदय में भय उत्पन्न होता है, और उनके सच्चे भक्तों को यह आश्वासन मिलता है कि जब तक माँ का आशीर्वाद उनके साथ है, कोई बुराई उनका हित नहीं कर पाएगी। किंतु माँ, देवी माँ ने भगवान शिव के ऊपर पांव क्यों रखा है? एक बार देवी माँ संसार की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करने पर विवश हो गई थी। अनगिनत दुष्टों का सहार किया इन्होंने, पर तब तक इनका क्रोध विकराल रूप धारण कर चुका था। अपने आवेश पर इनका नियंत्रण नहीं रह गया था। ऐसा लगने लगा था जैसे इनकी अंतहीन शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड का विनाश करके ही रहेगी। ऐसे में शिव शंकर जगत कल्याण के लिए देवी माँ के मार्ग में भूमि पर लेट गए, और शीघ्र ही महाकाली ने अनजाने में चरण अपने आराध्या के ऊपर रख दिए। और जब देवी माँ को यह अनुभव हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया है, तो ये ग्लानि से भर उठी। रक्त से सनी इनकी जीवा मुंह से बाहर निकल आई, और इनका क्रोध पूरी तरह शांत हो गया।
अद्भुत है देवी माँ, अद्भुत है इनका क्रोध, इनका प्रेम। प्रणाम देवी माँ। देख क्या रहा है, प्रहार कर मुझ पे। आपका प्रत्येक आदेश मुझे स्वीकार है माँ, किंतु मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। इसी क्षण उठ जा यहाँ से, अन्यथा अपनी मृत्यु का उत्तरदायी तू स्वयं होगा। आपके हाथों से मृत्यु मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है मेरे लिए। तो फिर यही सही।